टीथ मूवी शुरू होती है और हम डॉन और ब्रैड नाम की दो बच्चों को देखते हैं जो एक बाथ टब में बैठे होते हैं। तभी हम उनके पेरेंट्स को देखते हैं जिनका नाम बिल और किम होता है। यहाँ बिल की किम के साथ दूसरी शादी हुई होती है। जब ये दोनों बैठे होते हैं तो तभी इन्हें ब्रैड की चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर बिल उसके पास जाता है। तभी बिल देखता है कि ब्रैड की उंगली कटी हुई है जिससे उसे लगता है कि शायद डॉन ने उसकी उंगली मुंह से काट दी है, पर ऐसा नहीं था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डॉन अब बड़ी हो चुकी होती है जो अपने स्कूल के अंदर एक क्रिश्चियन ग्रुप में लेक्चर दे रही थी। वहां उसके दो फ्रेंड एलिसा और फिल भी होते हैं। डॉन उन्हें अपने मॉम के बारे में बताने लगती है। तभी वहां टोबी नाम का एक लड़का आता है जो डॉन को लगातार देख रहा था जिससे डॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तभी टोबी उसे बताता है कि वो इस टाउन में नया आया है और वो जल्द ही उन लोगों के साथ स्कूल में ज्वाइन होने वाला है। ये सुनकर डॉन स्कूल से अपने घर आ जाती है जहां उसकी मॉम काफी बीमार थी, लेकिन उसके डैड बिल उसका अच्छे से ख्याल रख रहे थे। जब डॉन बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगती है तो उसका भाई ब्रैड उसे परेशान करने लगता है क्योंकि वो अभी भी उसे परेशान करता था। अगले दिन जब डॉन स्कूल में जाती है तो कुछ लड़के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ टोबी पर होती है। तभी इनका बायोलॉजी क्लास चलने लगता है जहाँ टीचर इन्हें मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद डॉन और टोबी एक अडल्ट मूवी देखने के लिए जाते हैं जिसे देखकर टोबी का डॉन के साथ रिश्ता बनाने का मन करता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। उधर डॉन का भाई ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड ब्रैड की उंगली की चोट के बारे में पूछती है। ब्रैड उसे बताता है कि बचपन में उसकी उंगली को डॉन ने काट लिया था जिससे अभी तक ये निशान बना हुआ है। इधर डॉन टोबी और अपनी फ्रेंड के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है। वहां इन्हें एक लेक के पास गुफा दिखाई देता है जिसे देख एलिसा बताती है कि जो भी कपल यहाँ घूमने के लिए आते हैं वे उस गुफा में जाकर इंटीमेट होते हैं। अब टोबी और डॉन लेक के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं जहां डॉन टोबी को बताती है कि वो वर्जिन है और वो चाहती है कि शादी के बाद ही वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो। टोबी डॉन को अपने बारे में बताता है कि वो एक साल पहले अपनी एक्स के साथ इंटीमेट हुआ था इसीलिए वो भी वर्जिन नहीं है। अब रात होने पर डॉन अपने घर आ जाती है। फिर वो अपने बेड पर लेटकर टोबी के साथ इंटीमेट होने का इमेजिन करने लगती है। तभी एक गंदा क्रिएचर उसके माइंड में आ जाता है जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी डॉन को अपने प्राइवेट पार्ट से दांत के चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल डॉन के प्राइवेट पार्ट में बचपन से ही दांत होता है। अब अगले दिन बाथरूम में डॉन टोबी के पास कॉल करती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलती है। ये सुनकर टोबी कुछ कह पाता कि इससे पहले डॉन फोन कट कर देती है और अपने भाई के रूम में जाती है। डॉन अपने भाई ब्रैड से कहती है कि हम अब तक भाई बहन की तरह नहीं रहे हैं क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो। ये सुनकर ब्रैड उसे परेशान करता है जिससे डॉन जंगल में चली जाती है। जंगल में डॉन को बार बार टोबी की याद आ रही थी इसीलिए वो टोबी के पास कॉल करके उसे वहाँ बुला लेती है। फिर डॉन टोबी के साथ लेक में नहाने के लिए चली जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं जिससे इन्हें काफी ज्यादा मजा मिलता है। तभी डॉन लेक से बाहर निकल कर उसी गुफा के पास बैठ जाती है जहाँ सभी कपल इंटीमेट हुआ करते थे। ये देखकर टोबी भी उसके पास चला जाता है। अब टोबी डॉन को देखकर काफी अट्रैक्ट हो चुका था इसलिए उसका इंटीमेट होने का मन करता है, पर डॉन उसे साफ मना कर देती है। लेकिन टोबी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था जिससे वो जबरदस्ती करने लगता है। इस दौरान डॉन का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे डॉन बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही टोबी जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है तो डॉन को होश आ जाता है इसलिए वो उसे फिर से रोकने लगती है, लेकिन टोबी उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी टोबी जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। फिर जैसे ही डॉन खड़ी होती है तो टोबी का प्राइवेट पार्ट नीचे गिर जाता है। तभी टोबी दर्द के मारे चिल्लाते हुए पानी में कूद जाता है। ये सब देख डॉन को कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए वो लेक के किनारे बैठकर टोबी के बाहर आने का वेट करने लगती है, लेकिन टोबी लेक से बाहर नहीं आता जिससे डॉन अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद डॉन नहाने लगती है। तभी उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जिसके कारण वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लगती है। अगली सुबह डॉन अपने दोस्तों से मिलती है और उनसे टोबी के बारे में पूछने लगती है, पर किसी को भी टोबी के बारे में नहीं पता था जिससे डॉन और भी हैरान होती है। फिर वो स्कूल जाकर क्रिश्चियन ग्रुप में स्पीच देने लगती है, लेकिन तभी उसके मन में टोबी की बात चलने लगती है जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती।
थी। तभी उस स्टेज का लीडर उसे वहां से निकाल देता है। कुछ देर बाद वहां पर एक पार्टी शुरू होती है जहां डॉन अकेले शांति से बैठी होती है। तभी उसके पास रायन आता है जो उसे पहले से ही पसंद करता था। डॉन रायन से उसे घर छोड़ने के लिए कहती है तो रायन उसे घर छोड़ देता है, लेकिन वहां से जाने से पहले वो उससे डेट के लिए पूछता है, पर डॉन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब डॉन अपने घर से साइकिल लेकर दोबारा से लेक के पास जाती है जहां उसे टोबी का कटा हुआ पेनिस दिखाई देता है जिसे कुछ कीड़े खा रहे थे। ये देख डॉन एकदम से डर जाती है और टोबी को मरा हुआ समझकर उसका रिंग पानी में फेंक देती है। फिर वो अपने घर आती है और उस बायोलॉजी बुक में फीमेल रिप्रोडक्शन पर लगे स्टीकर हटा देती है। दरअसल उसके स्कूल में फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए उन सभी बुक में उस वाले पार्ट में स्टीकर लगा दिया गया था। फिर डॉन को वो पार्ट दिखाई देता है जिसे देख वो एकदम से शॉक्ड होती है और इंटरनेट पर वजाइना के बारे में सर्च करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि बहुत साल पहले लड़कियों के वजाइना में दांत हुआ करते थे, लेकिन अब ये करोड़ों लड़कियों में से केवल एक ही लड़की के अंदर पाया जाता है। डॉन ये सब पढ़कर काफी हैरान होती है क्योंकि उसे अपने ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और उनसे वजाइना का टेस्ट करने के लिए बोलती है। ये सुनकर डॉक्टर उसके वजाइना का चेकअप करने लगता है, पर बाहर से उसे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। फिर अंदर का चेकअप करने के लिए वो अपने फिंगर को वजाइना के अंदर डालता है। तभी डॉन को तेजी से दर्द होने लगता है जिससे वो डॉक्टर को उंगली बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाता तभी उसकी उंगली डॉन के वजाइना में फंस जाती है जिसे वो खींचने लगता है, जिससे डॉक्टर की चारों उंगलियां कट कर नीचे गिर जाती हैं और वो दर्द से कराह उठता है। ये सब देखकर डॉन वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे टोबी की कार दिखाई देती है जिसे एक पुलिस ऑफिसर चला रहा होता है। ये देख डॉन लेक के पास जाती है जहां उसे पुलिस की टीम दिखाई देती है जो टोबी की लाश को पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये सब देखकर डॉन बहुत दुखी होती है और वापस अपने घर आ जाती है। तभी डॉन को उसकी मॉम बेहोशी की हालत में दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अब डॉन अपने डैड बिल के पास कॉल करके उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। काफी रात हो जाने पर उसके डैड उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। डॉन जब घर जाती है तो उसका भाई अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, जिससे डॉन का मूड ऑफ हो जाता है और वो रायन के घर चली जाती है, जहां वो रायन से सब कुछ बता देती है कि उसकी ही वजह से टोबी मारा गया है क्योंकि उसके वजाइने में टीस यानी दांत हैं। रायन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे शांत कराने के लिए गले लगा लेता है, जिससे डॉन शांत होकर बाथटब में नहाने के लिए चली जाती है। इधर रायन अपने रूम को सजाने लगता है ताकि वो डॉन का मूड बना सके। फिर जब डॉन बाहर आती है तो दोनों एक साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इस दौरान डॉन को काफी अच्छा फील हो रहा था, तभी रायन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। डॉन उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो डॉन को विश्वास दिलाता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ टोबी का पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर को एक बड़ा सा दांत मिलता है जो उन्हें काफी अजीब लगता है। इधर इंटीमेट होने के बाद रायन को कुछ भी नहीं होता, जिससे ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर डॉन शीशे के सामने जाती है और खुद को बिना कपड़ों के देखने लगती है। इस दौरान वो काफी खुश थी क्योंकि रायन के साथ कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो दोबारा से उसके पास जाकर इंटीमेट होने लगती है। तभी रायन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने उसके साथ एक शर्त लगाया था जिसमें उसे डॉन के साथ इंटीमेट होना था। इस पर रायन उसे बताता है कि वो शर्त जीत चुका है। ये बात सुनकर डॉन काफी गुस्सा होती है। तभी रायन का प्राइवेट पार्ट डॉन के वजाइने में फंस कर कट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब डॉन अपनी इच्छा से इंटीमेट होती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, और जब वो गुस्से में होती है तो उसके वजाइने में जो कुछ भी होता है वो कट जाता है। इसके बाद डॉन हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। तभी उसके डैड बिल ब्रैड के रूम में जाते हैं और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, पर ब्रैड उसकी बात नहीं मानता, जिससे दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बिल ब्रैड को मारने की कोशिश करता है तो ब्रैड अपना डॉग उन पर छोड़ देता है जो बिल को काट लेता है। फिर ब्रैड उसे बताता है कि मैं डॉन से प्यार करता था, लेकिन तुमने डॉन की मॉम से शादी करके उसे मेरी बहन बना दिया, इसलिए मैं तुमसे और मॉम से नफरत करता था। अब ब्रैड की गर्लफ्रेंड बिल को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ डॉन बिल से उसके चोट के बारे में पूछती है। तभी ब्रैड की गर्लफ्रेंड डॉन को बताती है कि बिल की ये हालत ब्रैड ने की है क्योंकि वो बिल और तुम्हारी मॉम से जलता था। साथ ही वो ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम उस दिन ब्रैड के सामने हेल्प के लिए
चिल्ला रही थी, पर ब्रैड ने उनकी हेल्प नहीं की जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये सब सुनकर डॉन काफी गुस्सा होती है और वो ब्रैड से बदला लेने के लिए घर जाती है। फिर घर आने के बाद डॉन अच्छे से मेकअप करती है और ब्रैड के रूम में जाती है, जहाँ ब्रैड जो कि डॉन को पहले से ही गंदी नजर से देखता था, वो डॉन की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी ब्रैड को अपने बचपन की याद आती है कि उसकी उंगली कैसे कटी थी। दरअसल बचपन में ब्रैड ने डॉन के वजाइना में उंगली डाला था, जिसकी वजह से उसकी उंगली कट गई थी। अब इससे पहले कि ब्रैड कुछ कर पाता, तभी उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है। फिर डॉन जैसे ही खड़ी होती है तो ब्रैड का प्राइवेट पार्ट उसके वजाइना से नीचे गिर जाता है। तभी ब्रैड का डॉग वहाँ आकर उसका प्राइवेट पार्ट खा लेता है। अब डॉन ब्रैड को उसी हालत में छोड़कर बाहर आती है और अपनी साइकिल लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है, जिससे वो एक कार से लिफ्ट मांगती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। रात हो जाने पर वो बूढ़ा आदमी अपनी कार एक सुनसान जगह पर खड़ी करता है और डॉन को बुरी नजर से देखने लगता है। डॉन कार से बाहर निकलने के लिए डोर ओपन करती है, पर उस ओल्ड मैन ने सारे डोर लॉक कर दिए थे। ये देखकर डॉन काफी घबरा जाती है, पर तभी वो कैमरे की तरफ एक क्रीपी स्माइल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब डॉन उस बूढ़े के साथ इंटीमेट होने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।